सो हेलो एवरीवन, आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ने ये स्पेशल फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज का जो हमारा सॉन्ग रिएक्शन है वो जन्माष्टमी स्पेशल पर है, तो मुझे लगता है आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। गाने का नाम है श्यामा आन बसो बाय एक्ट्रेस खुशाली कुमार। सो हियर वी गो, देखते हैं गाना कैसा है और गाने में खुशाली कुमार कितनी सुंदर लग रही हैं ये भी देखते हैं। मैं कुछ भी रिवील नहीं करने वाली क्योंकि वाकई बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही हैं और जिस तरह का उनका अंदाज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ ये गाना देखिए और फिर आप ही डिसाइड करिए कि एक्ट्रेस इसमें कैसी दिख रही है, क्योंकि इससे पहले खुशाली कुमार के जो गाने आए हैं वो हमेशा ही वेस्टर्न टाइप के गाने करती आई हैं और ये जो गाना है वो कुछ क्या काफी हद तक मैं कहूंगी अलग है। तो एक्ट्रेसेस को हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए, डिफरेंट करते रहना चाहिए, सो दैट उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। तो श्यामा आन बसो गाना कैसा है, चलिए जल्दी से देखते हैं बिना देर किए। एंट्री इज रियली वेरी गुड, वाओ। राधा के किरदार में यहाँ पर खुशाली कुमार हम सबको नजर आ रही है। Wow, nice. Opening is very, very nice, very nice. गई होगी अपने आराध्य के पास, आशीर्वाद में। Wow, what a lavish set. Great, Radha Krishna Dwar. Set is a really लिटरली जिस तरह का आउटफिट है, जिस तरह का गेटअप है और जिस तरीके से राधा के किरदार में खुशाली कुमार को यहाँ पोर्ट्रे किया गया है, रियली वेरी आउटस्टैंडिंग। इट्स रियली नॉट इजी। लोगों को लगता है कि कोई भी गेटअप लेना और कोई भी टास्क करना एक्टर्स के लिए बड़ा आसान होता है, बट क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री बहुत करीब से जानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से अगर आप एक तरीका रोल करते आ रहे हो किसी भी गाने में या किसी भी मूवी में, जैसे खुशाली कुमार की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले ये स्टारफिश का जो इनका सॉन्ग है कुड़ी यानी तेरे ब्राउन रंग दी, इस गाने के लिए ये फेमस हैं और वाकई इस गाने में इन्होंने आग लगा दी है। बहुत ही हॉट लग रही है उस गाने में और एकदम ऑपोजिट गाना है ये श्यामा आन बसो। तो एक एक्ट्रेस के लिए, एक एक्टर के लिए बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग होता है जब आपको इस तरह का एक चेंज लाना होता है अपने अपने किसी गाने में, अपने किसी मूवी में। ये रियली ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। और जो गेटअप है, जो अटायर है, जो लुक है, मतलब मैं वाकई कहूंगी कि इनसे अच्छा चॉइस जो है वो एक्टर सॉरी इनसे जो अच्छा चॉइस है वो डायरेक्टर्स के पास वाकई नहीं होगा। सो शी इज द बेस्ट चॉइस और वाकई अभी तक तो मजा आ रहा है गाना देखने में। आगे देखते हैं कैसा है। पूरे गाने का जो पिक्चराइजेशन है, जो सिनेमेटोग्राफी है, बहुत ही लाविश तरीके से किया गया है और बहुत ही सुंदर है। बहुत ही अच्छे से इस गाने को फिल्माया गया है और बहुत ही अच्छे दिनों के बीच इस गाने को रिलीज किया गया है और इतनी सारी एक्ट्रेसेस थी लेकिन खुशाली कुमार को ही यहाँ पर लिया गया और खुशाली कुमार ने लिटरली बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो राधा वो बनी है वो बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया है और
जिस तरह का उनका जो मैं कहूंगी कि जो अंदाज है वो वाकई बहुत ही निराला है, बहुत ही गजब लग रही है राधा के किरदार में। और वाकई जो राधा रानी को बहुत ही बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए किसी स्पेशल ट्रीट से कम नहीं है ये गाना, आई मस्ट से। सो आगे देखते हैं गाना कैसा है। I just can't tell you, I'm getting goosebumps while listening to this song. Either I'm so much connected to Radha Krishna, or I must say that the way she's acting and the way the actor is doing act in the song is so fantabulous that I just can't control my emotions, and literally I just can't tell you that I'm getting goosebumps right now, and this is really very amazing. This should be the one of the best song of the year of year 2024. This is really very, very, very amazing. I just don't have words to describe this song. Amazing, fantabulous. Wow, amazing. बहुत अच्छा गाना था। I enjoyed this song. पूरे गाने में कहीं भी ड्रॉप नहीं था और पूरे गाने को मैंने देखा और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ भी कमी है इस गाने में, चाहे मैं एक्टर की बात करूं चाहे मैं एक्ट्रेस की बात करूं, कंप्लीट पैकेज था ये गाना। और जिस तरीके से राधा कृष्ण की कहानी को इसमें दर्शाया गया है, आई थिंक कि इस तरह के गाने बनने चाहिए। हमारे धर्म को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी जो रिलीजियस चीजें हैं उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना ज्यादा हम पर हावी हो चुका है कि हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। और जब इस तरह के गाने हमारे सामने आते हैं, और कुछ मूवीज भी हैं जो बनती हैं, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है देखने में, और लगता है कि हाँ अभी भी लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हाँ दुनिया में ये सारी चीजें जाए। सो दैट हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो फिलहाल उसकी हम रिस्पेक्ट करें, वो हमारे देश से नहीं मिटना चाहिए, चाहे हम कितने भी वेस्टर्न कल्चर को क्यों ना अडॉप्ट कर लें, कितने भी हम मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा रिलीजन, हमारे ट्रेडिशंस, हमें वो नहीं भूलना चाहिए कभी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस जो खासतौर पर जो न्यू कमर्स होते हैं इंडस्ट्री में, और वो इस तरह का इतना बेहतरीन काम करते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें और अच्छे मौके देना चाहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए।
तो आज का जो सॉन्ग रिएक्शन था शामान बसों का, तो मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से हम हाजिर होंगे एक नए सॉन्ग रिएक्शन के साथ। आप किस गाने पर मेरा सॉन्ग रिएक्शन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टाटा।